इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ बीजेपी नेताओं के फोटो वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई। हालांकि फोटो वायरल होने के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर ने उदयपुर न्यूज के सामने आकर अपनी बात रखी। मोहम्मद ताहिर के फेसबुक पेज पर ही रियाज अत्तारी के साथ बीजेपी नेताओं के फोटो मिले थे। मोहम्मद ताहिर ने कहा कि रियाज अत्तारी बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहा था लेकिन शामिल नहीं हुआ, लेकिन कुछ कार्यक्रमों में वह जरूर आया था। दूसरी ओर वर्ष 2019 में जब वह उमरा करने गया तब मुस्लिम समुदाय से होने के चलते उसका स्वागत जरूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई खास संबंध नहीं रहा है। यही नहीं, रियाज अत्तारी के मंसूबों के बारे में भी जानकारी नहीं होने के चलते उसके साथ के फोटो फेसबुक पर अपलोड किए गए थे। मैं मोहम्मद ताहिर, अल्पसंख्यक मोर्चा पूर्व कार्यकर्ता हूँ, अभी तो फिलहाल में पूर्व में अध्यक्ष था मैं, और ये कुल मिला के एक षड्यंत्र हो रहा है मेरे खिलाफ, मेरे संगठन के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। अगर किसी तरीके अगर आपको लगता है तो जाँच एजेंसी जाँच करें। मेरा फ़ोन ख़राब था और जैसे ही मुझे पूर्व में खबर मिली और मैं तुरंत आ गया हूँ, और जिस तरह का भी सहयोग चाहिए पुलिस को, प्रशासन को, मैं हर तरीके के लिए तैयार हूँ। कैसे फ़ोटो मिले आपके फेसबुक पेज पर? फेसबुक पर ये 2019 में ये गया था उमरा पर, तो वो फ़ोटो ज़रूर मेरा है। किसी का स्वागत करना, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और कई लोग हज पर गए हैं, कई काफ़ी फ़ोटो आप उस चीज़ को भी खंगाली है, काफ़ी लोगों के डले में हैं कि तो इसने वारदात करी है, इसका फ़ोटो आया है मेरे साथ। बाकी कई लोग, अब आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इसने गलत किया है तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपसे पहचान कितनी पुरानी है इसकी? ये मैं इसको 4-5 साल से जानता हूँ। क्या रेगुलर मिलना जुलना नहीं? कभी नहीं हुआ, अभी कुछ दिनों पहले इसका कार्यक्रमों में आता था क्या? हाँ, एक दो बार ये पार्टी के कार्यक्रम आया है, अकेला सदस्य बना पार्टी का? नहीं, कभी नहीं बना, क्योंकि उसी वजह से हम इससे दूर हुए। कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, ये चीज़ नहीं है।